वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास प्ले स्टोर में ओपनिंग अगेन एंड अगेन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं आपको सिंपल से 2 से 3 स्टेप्स बताऊंगा, जो करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। अपनी सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप या मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सारी इंस्टॉल्ड ऐप आपको शो हो जाएंगी, तो यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ से गूगल प्ले स्टोर को फाइंड करना है, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसको ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने क्लियर कैशे पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्लियर डेटा पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको बैक करना है। अगेन आपने यहाँ से गूगल प्ले सर्विसेज को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। अगेन आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसको ओपन करना है। सबसे पहले आपने क्लियर कैशे पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने मैनेज स्टोरेज को ओपन करना है। तो मैनेज स्टोरेज को ओपन करने के बाद आपको सबसे लास्ट में क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अगेन आपने यहाँ से इसको बैक करना है। अगेन इसको बैक करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अनइंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक करना है, और अब आपने दोबारा से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपने दोबारा से अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर आपको क्लाउड एंड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पर सारे अकाउंट आपको शो हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना गूगल अकाउंट शो हो जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने रिमूव अकाउंट पे क्लिक करना है। अगेन आपने रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब आपने अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से आपने सेटिंग में आने के बाद क्लाउड एंड अकाउंट के ऑप्शन को फाइंड करना है, और यहाँ से आपने उसको ओपन करने के बाद आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, और दोबारा से आपने अपना गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।